बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट बेसिक मैथ। आज की हम क्लास में प्लस माइनस चिन्हों के जो रूल्स होते हैं, चाहे वो गुणा में हो चाहे वो जोड़ घटाना में हो, वो हम सारे के सारे रूल्स यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर आपने ये क्लास देख लिया तो आज के बाद सारे कन्फ्यूजन आपके दूर होने वाले हैं। जैसे कि प्लस में अगर दो संख्याएँ हमारी प्लस में हैं तो हमारा क्या आंसर आने वाला है, एक प्लस और माइनस में है, एक माइनस और प्लस में है, दोनों ही माइनस में है, या ऐसे ही इनका जब हम गुणा करते हैं तब क्या आंसर आएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने गुणा के रूल्स लिखे हुए, ठीक है। रूल्स अभी लिखे नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। आखिर ये गुणा के रूल्स होते क्या हैं? जब कोई दो संख्याएं हमारी प्लस में होती हैं, पहली संख्या भी प्लस में हो दूसरी भी संख्या हमारी प्लस में हो, तो जो हमारे यहाँ पे जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो चिन्हों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर दोनों ही संख्याएं प्लस में होती हैं तो हमारा प्लस का चिन्ह आता है। अगर हमारी एक संख्या प्लस में दूसरी माइनस में है तो हमारा माइनस आएगा। एक माइनस में है, पहली माइनस में है, दूसरी प्लस में है, तो भी हमारा माइनस आएगा। अगर दोनों ही संख्याएं हमारी माइनस में है तो हमारा प्लस का चिन्ह आएगा। तो आपने अगर ध्यान से गौर नहीं किया है तो हम आपको गौर करवा देते हैं। जब हमारे अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमारा क्या आता है, माइनस आता है। जब हमारे सेम चिन्ह होते हैं, जैसे प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो, तो हमारा प्लस का चिन्ह आता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास प्लस का दो है और प्लस का दो है, दोनों की हमें गुणा करनी है। हालांकि इस प्लस को लिखते नहीं हैं, हाँ, पर आपको समझाना था इसलिए हमने प्लस लिख के रखा है। तो हमारी गुणा तो आएगी, जो गुणा आनी चाहिए, जैसे दो दूनी चार, गुणा तो आएगी, पर प्लस प्लस दोनों ही प्लस प्लस होकर हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का चार, जो कि हम प्लस लिखते नहीं हैं, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, चार आ जाएगी। अगर हमारे पास प्लस का दो है और उसकी गुणा करनी है माइनस के दो से, तो हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस की गुणा हमारी क्या होती है, जब हमारे अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमारा माइनस आता है, और गुणा तो हमारी जितनी आनी चाहिए वो तो आएगी ही, दो दूनी चार, तो हमारा हो जाएगा माइनस का चार। अब हमें माइनस के दो से प्लस के दो की गुणा करनी है। जब हमारे पास अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमारा क्या आता है, माइनस आता है, और दो दूनी चार तो आएगा ही, तो ये हमारा माइनस का चार हो जाएगा। अब हमें माइनस दो की गुणा माइनस दो से करनी है। तो माइनस और माइनस की गुणा जब सेम चिन्ह होते हैं तो हमारा प्लस आता है, और दो दो की गुणा चार होती ही है, तो हमारा क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुए हमारे गुणा के रूल्स, बहुत ही ज़्यादा सिंपल से। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, प्लस प्लस हमारा प्लस होता है, माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, अलग अलग हमारे क्या होते हैं, माइनस होते हैं, या ऐसे याद कर सकते हो, समान चिन्ह जब होते हैं तो हमारा प्लस आता है, जब हमारे अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमारा माइनस आता है। एक और ख़ास बात है आप ध्यान रखना, अगर माइनस की घात हमारी सम है, ठीक है, सम का मतलब अगर माइनस एक की घात कह लो हमारा दो है, या कह लो माइनस एक की घात छः है, या कह लो माइनस एक की घात 200 है, अगर सम संख्याएं हैं तो वो आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा, ठीक है। और एक और बात ध्यान रख लो कि अगर माइनस की घात, ठीक है, मैं यहीं पे बता देती हूँ, माइनस की घात विषम है, ऑड है, तो हमारा आंसर हमेशा माइनस में वन आएगा। अगर माइनस एक की घात तीन हो, माइनस एक की घात नौ हो, माइनस एक की घात पंद्रह हो, या कितनी भी बड़ी संख्या हो, या कह लो विषम हो, तो माइनस की घात हमेशा विषम होने पे हमारा माइनस वन आएगा, सम होने पे प्लस आएगा, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब हम चलते हैं यहाँ पे जो हमारे प्लस माइनस के रूल्स होते हैं, इसमें अगर हमारी एक संख्या प्लस में है दूसरी संख्या भी प्लस में है, अब हमें जोड़ना है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं, हमारे जब समान चिन्ह होते हैं, सिंपल से आप समझो, जब हमारे समान चिन्ह होते हैं, या कह लो सारी संख्याएं हमारी प्लस में हों सारी संख्याएं माइनस में हों, तब हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हमको जोड़ना होगा। क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जब हमारी सारी संख्याएं
प्लस में हों या सारी की सारी संख्याएं माइनस में हों तो हमको जोड़ना होगा। जब अलग अलग हमारी संख्याएं होती हैं, जैसे एक संख्या हमारी प्लस में है दूसरी माइनस में है, या कह लो एक माइनस में है दूसरी प्लस में है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना होगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना होगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर सेम चिन्ह वाली संख्याएं हैं तो हमें जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना घटाना के क्वेश्चन है, गुणा के क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, जोड़ने घटाने के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जब समान चिन्ह होते हैं तो हमको जोड़ना होता है, जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमें घटाना होता है। सिंपल सी बात है, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। अगर हमारे पास 2+2 दोनों ही प्लस में संख्याएं हैं तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़कर हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अभी चिन्हों की बात भी हम करेंगे। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, चिन्ह कैसे लगेंगे वो भी हम बात करेंगे। जैसे एक प्लस में है एक माइनस में है तो हमें क्या करना पड़ता है, घटाना होता है। 2 में से 2 गया 0 आएगा, एक माइनस में है एक प्लस में है, दोनों अलग अलग चिन्ह है तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना होगा। 2 में से 2 गया हमारा 0 आएगा। अब दोनों ही माइनस में संख्याएँ हैं, माइनस का 2 हमें क्या करेंगे, जब समान चिन्ह होते हैं तो हमें जोड़ना होता है और हमारा 4 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे दोनों ही प्लस में थे तो ये प्लस का 4 आया था, ये दोनों ही माइनस में हैं तो ये माइनस का आ जाएगा। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से आता है, आप देख लीजिए कि हमारे पास 4+2 है या 4-2 या -4+2 या -2-4, इस तरीके से क्वेश्चन है। एक संख्या बड़ी है एक संख्या छोटी है, तब हम क्या करेंगे, भाई दोनों ही प्लस में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना होगा, जोड़ के हमारा 6 आ जाएगा। अब दोनों ही संख्या हमारी प्लस में थी तो प्लस का ही 6 आएगा, माइनस का कोई क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, जो अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं, तो घटाएंगे मतलब 4 में से 2 गया तो 2 आया। अब क्या, अब बात आती है चिन्ह कौन सा लगेगा। जैसे कि ये तो दोनों प्लस के थे तो प्लस आ गया, अब हमारे पास प्लस भी है माइनस भी है तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम करेंगे चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगेगा। अब दिखने में बड़ी कौन सी है, तो दिखने में बड़ी 4 है, 4 के पास प्लस है तो प्लस का 2 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे फिर से अलग अलग चिन्ह है, माइनस है प्लस है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटाएंगे, तो 4 में से 2 गया 2 बचा। अब हमारे पास चिन्ह कौन सा लगेगा, तो चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, दिखने में बड़ी संख्या हमारी 4 है, 4 के पास माइनस है तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब हमारे समान चिन्ह है तो हमारे समान चिन्ह होने पर हम जोड़ते हैं तो हमारा 6 आ जाएगा, अब दोनों के पास माइनस है तो माइनस ही रहेगा। एक बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे, खास रूल्स थे जिनका आपको मतलब सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे मैथ्स करो, चाहे साइंस करो, चाहे केमिस्ट्री करो, कोई भी आप दैनिक जीवन की कोई भी गणित करेंगे, आपको ये रूल्स आने ही चाहिए, क्योंकि इन रूल्स का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।